हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं ब्रेड से मिठाई बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही झटपट और टेस्टी बन के तैयार हो जाती है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। अब मैं ब्रेड के जो साइड का किनारा है उसे निकाल देती हूँ चाकू की मदद से और इसे चार टुकड़े कर लेती हूँ। बस इसी तरह से सारे ब्रेड जो है मैं कटिंग कर लिए हैं और कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं घी। घी गर्म हो चुका है और जो ब्रेड है ना उसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। बहुत आसानी से बन जाता भी है और फ्रिज में रख दोगे तो आप हफ्ता भर खा सकते हो। ये देख लीजिए, इसी तरीके से मैं सारे फ्राई कर लूँगी। कैसा गोल्डन हो चुका है, गोल्डन हो गए तो ही अच्छा लगता है। मैं फ्राई कर ली, अब कढ़ाई में डाला पानी और उसमें मैं डालूंगी चीनी जो मुझे चाशनी बनानी है। इलायची कूट के डाल दिया है मैंने। चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, ना ज़्यादा पतली रहनी चाहिए। चाशनी हमारी बढ़िया एकदम परफेक्ट बन के तैयार थी। मैंने उसमें जो ब्रेड के टुकड़े फ्राई किए हैं सब मैंने डुबा के निकाल देती हूँ झरने के अंदर। ज़्यादा टाइम इसे डुबा के नहीं रखना है, नहीं तो ज़्यादा नरम पड़ जाएंगे। ये देख लीजिए, झरने के अंदर मैंने रखा है। अब कढ़ाई में डाला दूध और मैंने मिल्क पाउडर डाला है आधा कटोरी। और ये मैं नारियल का बुरादा डाली हूँ और मैं कस्टर्ड पाउडर डाल दी इसमें जो जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। और इतने मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, वो भी मैं पीस के इसमें ऐड कर दूंगी। इलायची भी उसमें है। ये देख लीजिए, एकदम अच्छे से वो एक ही तरह बन के रेडी है। इसे कटोरी में निकाल देती हूँ। अब जो ब्रेड के टुकड़े मैंने फ्राई किए हैं उस पे मैं चम्मच की मदद से ऐसे ही फैला देती हूँ। जो एक्स्ट्रा है साइड में वो निकाल देना है आपको। ऐसे ही सारे बना लूँगी मैं, बिना कोई झंझट के बन के रेडी हो जाता है। ये देख लीजिए, इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। आप भी दोस्तों बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए अपने बच्चों और परिवार के साथ। ये देख लीजिए, बाय बाय।